कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार जैसे भीड़भाड़ इलाके में 13 सितंबर को दिन दहाड़े रिक्शे से जा रही दो महिला का पर्स छिनैती करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मोहल्ला निवासी आदित्य कुमार गौड़ पुत्र अजय कुमार गौड़ तथा चंदन चौहान पुत्र मदन लाल चौहान के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने लूट का पर्स 3040 रुपये 315 बोर का तमंचा एक जिंदा कारतूस तथा लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त शातिर किस्म के लूटरे हैं जबकि इनका एक साथी काशिफ पुत्र मोहम्मद शरीफ अभी फरार है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कल कोतवाली थाना क्षेत्र में मियां बाजार मोहल्ले में दो महिलाएं रिक्शे से इलाज के सिलसिले में जा रही थी। महिलाएं मूल रूप से देवरिया की रहने वाली थी। इन महिलाओं के साथ तीन मोटरसाइकिल सवार लुटेरे उचक्के जिन लोगों ने एक महिला का पर्स छीन लिया था और उस पर्स में महिला के अनुसार 10,000 रुपये, एक ATM कार्ड और उनका मोबाइल, तीन सामानों ने FIR में अंकित कराया था। सूचना मिलने के बाद तत्काल FIR पंजीकृत करके CEO कोतवाली के नेतृत्व में टीमों ने सुराग रशी पता रशी करना शुरू कर दिए और 24 घंटे के भीतर ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माल की बरामदगी कर ली गई। इसमें महिला का लूटा गया पर्स, उनके लूटे हुए लगभग 3,000 रुपये बरामद हो गए हैं और जिस मोटरसाइकिल से घटना को अंजाम दिया गया था वो मोटरसाइकिल दो लुटेरे पकड़ लिए गए हैं, एक लुटेरा भी फरार है। हाँ, इसमें एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ है चंदन चौहान, यह पहले भी एक केस में वांछित था, मतलब उसका वारंट था, गिरफ्तार किया गया था, उसका आपराधिक इतिहास है चंदन चौहान का। नहीं, पहले के लूट की माल बरामद नहीं हुआ, इसी लूट का खुलासा हुआ है। अभी इस लूट में एक व्यक्ति फरार है, काशिफ नाम का व्यक्ति फरार है।